हेलो क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट आपका हिंदी फर्स्ट। और इसमें देखिए आपका लेसन चल रहा था 7, ठीक है, चैप्टर 7 डाके की कहानी, कुंवर सिंह की जुबानी। तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर बनाए थे और वो कुछ क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो चुके थे। और आगे देखिए कुछ क्वेश्चन है इसमें, ध्यान से देखिएगा इनको। कुंवर सिंह को कौन सा इनाम मिला और कब मिला? जो कुंवर सिंह थे उनको इनाम मिला था, कौन सा इनाम मिला और कब मिला? तो जो कुंवर सिंह को 2004 में बेस्ट पोस्टमैन का इनाम मिला। कब मिला था? 2004 में बेस्ट पोस्टमैन का। अगला क्वेश्चन देखिए, तीन क्वेश्चन मैं पहले करा चुके इसमें और ये चौथा पांचवा क्वेश्चन है। भारतीय डाक सेवा की विशेषता क्या है? जो भारतीय डाक सेवा है उसकी क्या विशेषता है? तो भारतीय डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सस्ती डाक सेवा है। एक तो क्या है, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे क्या है, सस्ती डाक सेवा है। देखिए इसमें, पहाड़ी इलाकों में डाक पहुंचाना आसान काम क्यों नहीं है, ठीक है ना, बोलते ना जो पहाड़ी इलाकों में है वहाँ डाक पहुंचाना क्या था, बहुत मुश्किल था, कठिन काम था। तो क्यों था? क्योंकि देखो, छोटे रास्ते, ऊंचे पहाड़, ठंडे इलाके, बर्फबारी, दूर दूर तक बसे गांव, और जहाँ क्या जाना पड़ता था, पैदल उनको जाना पड़ता था। तो यह काम क्या होता था, बहुत मुश्किल वाला होता था। इसीलिए क्या कहा जाता है उसमें कि पहाड़ी इलाकों में डाक पहुंचाना क्या होता था, मुश्किल काम होता था। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ देखिए व्याकरण इसमें बनाए हैं। विलोम शब्द देखो, साधारण, क्या लिखा है, साधारण, और साधारण का उल्टा होता है असाधारण, ठीक है ना। विलोम शब्द, विलोम होता है उल्टा। दुख और सुख, एक तो क्या होता है, दुख होता है, दुखी होता है, और एक सुख, सुखी, ठीक है। शहर और गांव, ठीक है ना, एक गांव होता है और एक क्या होता है, शहर। दूर, नज़दीक, एक दूर होता है और एक पास, पास होता है नज़दीक। मुश्किल और आसान, एक मुश्किल काम होता है और एक क्या होता है, आसान काम होता है। बूढ़ा और जवान, एक बूढ़ा होता है और फिर जवान होता है, ठीक है ना। तो बूढ़े का उल्टा जवान, ठीक है, समझ गए। साधारण का असाधारण, दुख का सुख, शहर का गांव, दूर का नज़दीक, मुश्किल का आसान, बूढ़ा और जवान, ठीक है। आगे देखिए इसमें, निम्नलिखित के पर्याय लिखिए, पर्यायवाची हैं ये। पोस्टमैन, तो पोस्टमैन इंग्लिश का वर्ड है, तो पोस्टमैन का होता है डाकिया, ठीक है ना। स्कूल, स्कूल को क्या बोलते हैं, विद्यालय, ठीक है। ये जो इंग्लिश के वर्ड हैं, स्कूल भी इंग्लिश का है, पोस्ट ऑफिस ये भी इंग्लिश का वर्ड है, पोस्ट ऑफिस को बोलते हैं डाक घर, डाक घर। नज़दीक ये उर्दू का वर्ड है, नज़दीक होता है निकट, निकट पास, ठीक है। इनाम, तो इनाम क्या है, उर्दू का ही ये भी, पुरस्कार, इनाम होता है पुरस्कार। और सिर्फ, केवल, तो ये तीनों क्या हैं, उर्दू के शब्द हैं, और ये तीनों क्या हैं, इंग्लिश के शब्द हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसके ऊपर पोस्टमैन का डाकिया, स्कूल का विद्यालय, पोस्ट ऑफिस का डाकघर, नज़दीक का निकट, इनाम का पुरस्कार, और सिर्फ का केवल, ठीक है। तो आज ये काम आपको करना है, जिसमें देखिए आज मैंने थोड़ा व्याकरण भी डाली है आपके लिए पाठ से संबंधित, और ये आपको कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, 3 तक आप कर चुके हैं, 4, 5 और 6 आपको करना है, और ये आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है, डाके की कहानी, कुंवर सिंह की जुबानी।